कल सुबह शिखर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अकोले तालुके में आता है। इसकी हाइट 1646 मीटर है। इसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। ये शिखर कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। कलसुबाई जाने के लिए मैं दोपहर 12 बजे नासिक से निकला। कलसुबाई नासिक से 65 किलोमीटर, मुंबई से 153 किलोमीटर और पुणे से 170 किलोमीटर है। और मैं सबसे पहले भंडारदरा गया अर्थर लेक देखने के लिए, जो बारी गाँव से 12 किलोमीटर है। अर्थर लेक साफ और शांत सह्याद्री की पहाड़ियों के घने जंगलों से घिरी हुई है। इस झील को प्रौर नदी से पानी मिलता है। इस झील का किनारी एरिया 50 किलोमीटर का है। यहाँ पर बोटिंग भी करते हैं। 15 मिनट की इस बोटिंग के लिए 100 रुपीज फीस अडल्ट के लिए और 50 रुपीज फीस स्टूडेंट्स के लिए है। ये लेक दोपहर 2 बजे ही इतनी खूबसूरत दिखती है तो मानसून के सीजन में इसकी सुंदरता किसी हेवन से कम नहीं होगी। अर्थर लेक देखने के बाद मैं गया रंधा वाटरफॉल देखने के लिए, जो अर्थर लेक से 10 किलोमीटर है। और ये है भंडारदरा डैम से सिर्फ 8 किलोमीटर पर रंधा वाटरफॉल। यहाँ पर इस तरह के जिगजैग फुटपाथ बनाए हुए हैं। मानसून में यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मानसून में यहाँ पर पूरा पानी रहता है और यहाँ पर बोटिंग भी होती है। और यहाँ पर एक घोरपड़ा देवी का छोटा सा मंदिर भी है। ये मंदिर मानसून में चारों ओर से पानी से घिरा रहता है। अभी बजे है सुबह के 6:45, 6:45। निसर्ग एमटीडीसी का एक रिसोर्ट है, यहाँ पर मैंने एक रूम बुक किया था। यहाँ का टेम्परेचर अभी दिखा रहा है 16 डिग्री सेल्सियस। सिंगल रूम है, यहाँ पर मेरा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम अटैच है। हॉट वाटर के लिए गीजर है, शॉवर भी है। सामने पूरा फॉग आ गया है। ये जो पिक आपको दिख रहा है, यह है कलसुबाई पिक। आज हम जाएंगे कलसुबाई। आप जो पीछे मेरे माउंटेन देख रहे हैं वो है कलसुबाई माउंटेन, कलसुबाई पिक, जो महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पिक है। इसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। अभी इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये बारी गाँव है जहाँ से कलसुबाई ट्रैक शुरू होता है। ये बारी गाँव है जो कलसुबाई पिक का बेस विलेज है। कलसुबाई का ट्रैक बारी गाँव से शुरू होता है। ये 6 किलोमीटर का ट्रैक है। हरे भरे दृश्य के साथ इसमें मध्यम और कठिन स्तर भी है। तो बारीगांव से 6 मिनट चलने के बाद यहाँ से ये स्टेयर्स शुरू होती है और यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है। कलसुबाई के ऊपर एक कलसुबाई देवी का मंदिर है। गांव के लोग इसे अपनी कुल देवी मानते हैं। यहाँ पर गांव के लोकल लोग अपनी गाय भैंस को चरने के लिए ऊपर तक लाते हैं, क्योंकि गाय और भैंस को खाने के लिए चारा भी मिलता है और इस माउंटेन के ऊपर आए हुए जो ग्रास है वो भी साफ हो जाते हैं और इससे माउंटेन क्लियर हो जाता है।
कल से बाई ट्रैक मैंने सुबह 9 बजे शुरू किया। बेस्ट से लेकर टॉप तक यहाँ इस तरह के होटल्स मिलेंगे। यहाँ मैगी, पोहा और महाराष्ट्र का फेमस फूड पिठलं भाकरी भी मिलता है। कलसुबाई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत संरक्षित है। इसके आसपास कई छोटे छोटे जंगल है। मॉनसून के बाद यहाँ पर कई अलग अलग रंग के फूल देखने को मिलते हैं। इस कीमती अमृत को खाने के लिए तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, ड्रैगन मक्खियाँ और छोटे छोटे कीड़े यहाँ पर आते हैं। सैटरडे संडे यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ विजिट करते हैं। सुबह पिक के टॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। सो ये है मेरे पीछे कलसुबाई का एंड पॉइंट। यहाँ पर कलसुबाई देवी का टेम्पल है। कलसुबाई की एक दंत कथा है। कई साल पहले यहाँ इंदूर गांव में एक छोटी लड़की घर में काम करती थी, लेकिन उसने कहा था कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी और घर में साफ सफाई नहीं करूंगी, बाकी सारा काम करूंगी। एक दिन उस घर में बहुत सारे मेहमान आए और घर के मालिक ने उसे साफ सफाई और बर्तन धोने के लिए कहा। काम तो उसने कर लिया, लेकिन बाद में वो नाराज होकर इस पहाड़ के ऊपर आ गई और यही रहने लगी। कुछ दिन बाद उसका देहांत हो गया। गांव के लोगों ने उसका एक मंदिर बनाया और उसकी पूजा करने लगे। यहाँ के लोकल महादेव कोली लोग उसे अपनी कुल देवी मानते हैं और वो लोग इसे देवी का अवतार भी मानते हैं। कलसुबाई के टॉप से पूर्व में औंध, विश्रामगढ़, बिटंगढ़, पश्चिम से अलंग, मदन, उलंग और रतनगढ़, उत्तर में घरगढ़, बहुलागढ़, त्रिंगलवाड़ी, कवनाई और दक्षिण में पाबरगढ़, घनचक्करगढ़ और हरिश्चंद्रगढ़ जैसे किले देखने को मिलते हैं। कल सुबह मंदिर में दर्शन करके अभी हम आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर व्हाइट कलर में बहुत बड़ा कल सुबह नाम लिखा हुआ है। गूगल मैप पर सर्च करने के बाद जब आप जूम करके देखते हैं तो व्हाइट कलर का नाम आपको दिखाई देगा। सो हम वहीं पर जा रहे हैं। सो ये जो बहुत बड़ा नाम आपको दिखाई दे रहा है यह है कल सुबह। नीचे से ऊपर आते वक्त मैंने जिस होटल में ब्रेकफास्ट किया, मैगी खाई, वहाँ पर गांव के लोग हैं, उनका घर रहता है, तो वो कह रहे थे कि लोग और टूरिस्ट यहाँ पर जब आते हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे 4 बजे ट्रैक शुरू करते हैं, तो यहाँ से जाते वक्त बड़े बड़े स्पीकर में बड़े बड़े वॉल्यूम में गाना लगा कर जाते हैं, गाना सुनते सुनते जाते हैं, तो उनके गाने की वजह से हमारी नींद टूट जाती है। सो ऐसा मत करिए, तो अगर हमारी वजह से उनको आप यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट है यहाँ पर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो। सो यहाँ से जब आप आते हैं तो बीच बीच में जहाँ पर आपको घर दिखाई देंगे वहाँ पर आप स्पीकर बंद कर दीजिए। जहाँ से फिर जंगल ट्रैक शुरू होगा वहाँ पर आप गाना सुनते सुनते आगे जाएंगे तो भी चलेगा। तो नीचे आ गए हैं कल सुबह पिक के। तो आज मैं अपनी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।